नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग का कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा फ्लो के बारे में और रिडायरेक्शन के बारे में। किस किस तरीके के टूल हैं हमारे पास एमवीसी में, जिससे कोई डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। क्योंकि अगर हम पुराने ASP.NET की बात करें तो उसमें हमारे पास फिजिकल पाथ होते हैं, तो हम बस यूज करते हैं response.redirect और वो उस फिजिकल पाथ पे उस फाइल को ओपन कर देता है। बट यहाँ पे एमवीसी में हमारे पास कंट्रोलर है, एक्शन है और व्यू है। मुझे सरल भाषा में समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आज हम सभी के फेवरेट गोकुलधाम सोसाइटी को एग्जाम्पल के लिए लेंगे। अगर आप गोकुलधाम सोसाइटी से फेमिलियर नहीं हैं तो मैं बता दूं, ये सब टीवी पे एक कॉमेडी शो है और जिसमें ये सोसाइटी हैं और इनके कैरेक्टर हैं। जो आप फ्रंट वाली बिल्डिंग पे देख रहे हो जिस पे ए लिखा हुआ है, उसमें लेफ्ट साइड में जो है वो भेड़े का घर है और जो एज अ टीचर है। आप अगर राइट साइड में उसके देखोगे तो वो सोडी का घर है जो एज अ मैकेनिक हैं और गाड़ियाँ सही करने के लिए इनके पास टूल अवेलेबल होते हैं। और दूसरी बिल्डिंग जो आपको बी ब्लॉक दिख रही है, उसमें आप देखोगे तो वो हैं जेठालाल, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसे एग्जांपल में किस तरीके से हम लेंगे। तो जो फ्रंट वाला ब्लॉक हमें दिख रहा है, ब्लॉक ए, उसे एज अ कंट्रोलर ए हम ले लेते हैं, और जो राइट साइड में हमें दिख रहा है ब्लॉक बी, उसे कंट्रोलर बी ले लेते हैं। ब्लॉक बी में जेठालाल का घर है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो इनके घर को हम शॉप एक्शन कंसिडर कर ले रहे हैं और हर एक्शन का एक व्यू होता है। तो इनके इनका घर जो जैसा दिखता है वो एज अ व्यू हो गया। सेम एज ब्लॉक ए में हम भीड़े के घर को स्टडी एक्शन मान लेते हैं और सोडी के घर को गेट टूल नाम का एक एक्शन मान लेते हैं। सभी एक्शन के एक उसके व्यू होते हैं, तो इनका घर जैसे दिखता है वैसा व्यू होता है और नीचे जो है उन्हें एज अ यूजर हम कंसिडर कर लेते हैं। सिनेरियो को रिलेट करते हैं हमारे रिडायरेक्ट और डेटा ट्रांसफर से। तो सपोज जो नीचे यूजर खड़े हैं उनको पढ़ाई करनी है, तो वो कंट्रोलर ए के स्टडी एक्शन में जाएंगे। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, रिडायरेक्शन, और सपोज वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें मोबाइल खरीदना है, तो हम किस तरीके से कंट्रोलर ए से कंट्रोलर बी के शॉप एक्शन पे किस तरीके से भेजेंगे, वो किस तरीके से रिडायरेक्शन होगा, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डेटा ट्रांसफर की बात करनी है, अगर सपोज जेठालाल जो हैं वो एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हैं भिड़े को, मींस डेटा का ट्रांसफर जो शॉप एक्शन है कंट्रोलर बी में टू स्टडी एक्शन जो कि कंट्रोलर ए में है, या कोई टूल लेना चाहते हैं गेट टूल सोडी से, तो ये डेटा का ट्रांसफर किस तरीके से होगा आगे हम इसको ही देखेंगे एग्जाम्पल के लिए लेके। एक बार देख लेते हैं रिडायरेक्ट और डेटा ट्रांसफर के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ आप देख सकते हो रिडायरेक्ट में है रिडायरेक्ट फ्रॉम वन एक्शन टू अनदर, मीन्स डायरेक्ट एक्शन टू एक्शन जा सकते हैं, और रिडायरेक्ट यूजर टू अनदर पेज। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको एक्सटर्नल URL पे हिट करना है या आपको एग्जैक्ट URL डाल के किसी भी इंटरनल पे ही जाना है। रिडायरेक्ट यूजर फ्रॉम व्यू टू अनदर एक्शन, अगर व्यू है आपका कोई डिस्प्ले हो रहा है और उसमें से किसी दूसरे एक्शन पे जंप करना है आपको वाया क्लिक। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की, पास डेटा फ्रॉम वन एक्शन मेथड टू अनदर, अगर एक एक्शन में है और कुछ कंडीशन आती है आपको वहां से डेटा को दूसरे एक्शन में ट्रांसफर करना है ताकि फर्दर आप उस पर एक्शन ले सको, काम कर सको। नेक्स्ट है पास डेटा फ्रॉम वन एक्शन टू व्यू, अब डेटा आपके पास कंपाइल होके मतलब आपने फेच कर लिया कुछ करके आपके एक्शन में आ गया है, अब उसको व्यू तक किस किस तरीके से आप भेज सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेस डेटा फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग टू एक्शन मेथड, मींस आप व्यू से अब क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू डेटा भेज रहे हो, मतलब मींस एक्शन को कॉल कर रहे हो, या तो आप क्लिक करके वहां पे डेटा भेज रहे हो या क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भेज रहे हो, तो वो हम देख। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं, इसके सिंटेक्स क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक एक्शन से दूसरे एक्शन में रिडायरेक्ट करना है हमें तो किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप इंडेक्स से वो स्टडी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सिंपली उसने स्टडी लिया विदाउट एनी पैरामीटर, वो स्टडी में चला गया। अब अगर स्टडी वो एक्शन में है और वहाँ से गेट टूल एक्शन में जाना चाहता है और विद सम पैरामीटर, तो उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोलर डिफाइन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो आप आपने देखा होगा जैसे एग्जांपल में कि कंट्रोलर ए में स्टडी और गेट टूल दो एक्शन बने हुए थे कि सोडी
और बीड़े का हमने एग्जांपल जो लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेट टूल, आप एक्शन में हो और वहां से आप रिडायरेक्ट कर रहे हो शॉप पे, शॉप जो कि हमने बनाया था कि जेठालाल का शॉप एक्शन है, जो उसका घर है, जो कि बी ब्लॉक में, कंट्रोलर बी में था। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे उस एक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप आईडी भेजना चाहते हो तो वो भी पैरामीटराइज भेज सकते हैं। रिडायरेक्ट टू अनदर पेज मीन्स अगर आपको एक्सटर्नल यूआरएल पे लेके जाना है उसे, तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, या इंटरनल में ही अगर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल देना है तो उसे रिडायरेक्ट के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्यू से किसी एक्शन पे ट्रांसफर करना। कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी को डिलीट करना है, अगर टेबल डिस्प्ले हो रहा है या उस डिटेल जाननी है, तो उसके साथ हमें आईडी को ट्रांसफर करना होता है उधर, जिससे कि हम किसी और डिटेल पेज पे जाएं या डिलीट एक्शन परफॉर्म करें, तो उसके लिए ये है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि गेट टूल एक्शन पे भेज रहे हैं जो कि कंट्रोलर ए में है, और उसके साथ उसका नेम और प्राइस साथ में भेज रहे हैं एज अ पैरामीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की। तो इसमें एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जब हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए हम टेम्प डेटा का यूज़ करते हैं। ये की वैल्यू पेयर पे काम करता है, तो वैल्यू एनी टाइप हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हो। इसमें आपको अनबॉक्सिंग करना होता है, मीन्स आपको डेटा टाइप बताना होता है जब आप रिसीव कर रहे होते हो। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे ही आप की क्रिएट करते हो ये मेमोरी में उसके सेव हो जाता है, तो अगर नेक्स्ट टाइम आपने जैसे ही इसमें फिर से सेम की इसमें डाला तो वो एरर जनरेट कर देगा। और ये की कब रिमूव होते हैं, जब आपका कोई रिसीवर उसे रिसीव करता है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से मेमोरी से रिलीज हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको दूसरे रिसीवर एक्शन में उस मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो की में वैल्यू पड़ी हुई है, उसको रखना है, तो इसके लिए आप कीप एंड पीक का यूज़ करते हो। कीप में क्या है कि डेटा फेच करने के बाद आप उसे बताते हो कि कीप दिस, और पीक में क्या है जब डेटा फेच कर रहे होते हो तो उसी सिंटेक्स में आप लिख देते हो कि पीक दिस, तो ये मेमोरी में रहती है। तो इस एग्जांपल में आप देखोगे कि जो शॉप एक्शन बना हुआ कंट्रोलर बी में, जो कि जैसे हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं, और उसने एक मोबाइल गिफ्ट किया है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है स्टडी एक्शन जो कि बीड़े एज अ टीचर है, और जो कंट्रोलर ए में है, तो इस तरीके से उसने डेटा पास किया है उसमें और उसको उसने कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमें एक्शन टू व्यू में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए व्यू बैग और व्यू डेटा का यूज़ करते हैं। व्यू बैग क्या है कि डायनेमिक प्रॉपर्टी बेस्ड है, और इसमें हमें अनबॉक्सिंग नहीं करनी होती है, टाइप कास्टिंग नहीं करनी होती है, जैसे इधर सेट कर दिया उधर आप वैसे ही गेट कर लोगे व्यू पे। लेकिन व्यू डेटा जो है इसमें आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और ये क्या है कि ये काम करता है की वैल्यू पेयर पे। जैसा कि आप देख सकते हो ये शॉप एक्शन का है, और इसमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक डायनेमिक प्रॉपर्टी हमने ले रखी है, और इसमें क्या कर रहे हैं हम जितने प्रोडक्ट लिस्ट हैं उसको बाइंड करके और भेज रहे हैं। तो व्यू बैग में हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लूप कर लेंगे, बट व्यू डेटा में हमें क्या है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये डेटा टेबल है, देन हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेस डेटा फ्रॉम क्वेरी स्ट्रिंग। अगर सपोज आपका कोई एक्शन है और आप व्यू से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उसे, तो अगर कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर आपने डाल दिया है तो उसको आप क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू इस तरीके से गेट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें।